हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा तवर और आपका नेहा तवर डिज़ाइंस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिज़ाइनर कुर्ता कटिंग फॉर मेंस। मेंस के लिए हम एक बहुत ही डिज़ाइनर कुर्ता लेके आए हैं, जैसा कि हमने थंबनेल में आपको शो किया है। तो इसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है और उसको मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया। तो सबसे पहले हम बैक कट करेंगे, जो बैक पार्ट है हमारे जो कुर्ता का। तो इस तरह से आप सबसे पहले अपने जो कुर्ता है उसकी लेंथ ले ले। तो मैंने जो लेंथ ली है वो है 37 इंच, हमारी तैयार हो जाएगी। तो 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी कि 38 एंड हाफ, 38.5 इंच हम ले लेंगे। उसके बाद तीरा मैं लूँगी 10.5 इंच, लेंथ भी इसकी 10.5 इंच ही लूँगी मैं। उसके बाद चेस्ट साइज़ आप ले लेंगे, चेस्ट साइज़ मैं लूँगी 12 इंच। और इस तरह से हम आर्म होल बनाएंगे यहाँ पे। उसके बाद जो हमारा चेस्ट साइज़ होता है उससे 1 इंच कम करते हुए 11 इंच हम ले लेंगे। कमर का साइज़ थोड़ा सा कम ले लेंगे हम, जिससे कि हमारा कुर्ता बहुत ही अच्छी फिटिंग में आएगा। और 23 या 24 इंच के आसपास हम हमारे कुर्ते के चाक बनाएंगे। तो इस तरह से मार्क को हम लगाते हुए मैच कर लेंगे। सबसे पहले हमने जो भी मार्क्स लगाए हैं उनको हम सीधा कर लेंगे। तो सभी मार्क को सीधा करते हुए नीचे हमारी जितनी लेंथ थी उस तक हम इसको मैच कर देंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा तिरछा शेप भी दे सकते हैं। मैं दोनों इसमें लगा रही हूँ आपको बताने के लिए, वैसे मैं इसको सीधा ही रखने वाली हूँ। उसके बाद हम गला लेंगे, तो जो हमारा बैक नेक होगा वो 1.5 इंच पे होगा और जो पीछे का है वो ढाई सॉरी फ्रंट जो है वो ढाई होगा। तो दोनों निशान मैंने इसमें लगा दिए हैं। और अब जो हमारा आगे का जो फ्रंट एरिया जो हमारा होता है, फ्रंट पार्ट जो होता है कुर्ते का, वो उसमें जो हमारे कंधे हैं वो 1.5 इंच हम इसको गिरा देंगे। लेकिन ये बैक पार्ट है तो हम इसको कट नहीं करेंगे, लेकिन इसको बाद में हम थोड़ा सा शेप ज़रूर देंगे शोल्डर डाउन करते हुए। अब इस तरह से ऐसे हम शेप दे देंगे थोड़ा सा और हम निशान लगा लेंगे नीचे से। आप देखिए, जब हम चाक लगाते हैं वहाँ से हम 2.5 इंच ले लेंगे और वहीं से 6 इंच पर निशान लगाते हुए हमें यहाँ पे पॉकेट डालनी है। तो ये सभी निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम हमारी कटिंग कंप्लीट करेंगे। तो ये सिंपल है। तो इस तरह से हम कटिंग करते हुए तो ये देखिए, जो भी हमारे मार्क है उन पे छोटा छोटा कट लगाते हुए हम अपनी कटिंग को कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना नहीं तो बहुत ही जल्द से वीडियो डालते हैं और हमारे वीडियो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। तो प्लीज़ याद से, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जो चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये देखिए, हमारी बैक पार्ट की कंप्लीट कर ली हमने कटिंग। अब हम कपड़ा जो हमारा बचा हुआ है उसको बिछा के उसी के ऊपर हमारा जो बैक पार्ट है उससे हम सभी मार्क्स को कॉपी कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जो फ्रंट का जो गला होगा वो 2.5 इंच होगा, क्योंकि जो बैक था उसका 1.5 इंच हमने कट किया था। अब जो देखने वाली बात है वो यहाँ पे आती है। यहाँ पे आके हमारी हमारा जो कुर्ता है उसकी लेंथ कंप्लीट हो जाती है। लेकिन आपने थंबनेल में देखा होगा, ये फ्रंट से थोड़ा सा हम लंबा रखेंगे, तो यहाँ से हम 6 साढ़े 6 इंच के आसपास हम यहाँ पे इसकी लेंथ रखेंगे। बाकी जो कुर्ते की लंबाई है उतनी हम रखेंगे। ये इसमें ध्यान देने वाली बात है, कहाँ से रखनी है, कितनी रखनी है, अच्छे हमने
छः नहीं तो 7, 7.25 के आसपास हमने इसको रखा है। तो अब देखिए, ये हम जो गला हमारा है उसकी कटिंग कर लेंगे, और उसके बाद शोल्डर डाउन हमने उसमें किए नहीं थे, तो उसी तरह से शोल्डर गिराते हुए अब हम यहाँ पे शोल्डर डाउन कर देंगे। लेकिन एक बात आपने ध्यान रखनी है, जो बैक पार्ट है उसमें भी हमने ऐसे ही शेप देनी है, चाहे हम थोड़ी दें। और जो फ्रंट पार्ट है उसमें भी 1/2 इंच के करीब आर्म होल में कटिंग होती है, तो ये मैंने सीधा ही बिना मार्क लगाए 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट कर लिया है। और अब अगर आप सही से देख पा रहे हैं तो हम सेम एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ तक। यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा, इतना कट करने के बाद हमें थोड़ा सा लंबा कपड़ा कट करना है कुछ इस तरह से। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट आएगा, अब देखिए, अगर हमें एक साइड पे अगर साइड कट लगाना है तो हम इसको ओपन करके इसको कट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, दोनों साइड कट आएंगे, यानी कि दोनों साइड बटन आएंगे, फ्रंट स्लिट जो बटन आएंगे, तो हम इसको एज इट इज़ फोल्ड करके रखेंगे। ये खुलने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये देखिए, अगर हमें एक साइड कट करना है तो हम ओपन करके इस पे निशान लगाएं, अदरवाइज अगर आपको ऐसे ही जैसे मैं कट कर रही हूँ ऐसा ही डिज़ाइन बनाना है तो ऐसे आप फोल्ड कर लें पहले कुर्ते को। अब मार्जिन कैसे रखना है, तो हमारा जो कंधे का जो एरिया है उसकी हमें लेंथ देख लेनी है, और उसका आधा हमें कर लेना है। तो यहाँ पे 4.5 आ रही है, तो 4.5 मैंने लिया है। अब हमारे बीचों बीच से आप यहाँ तक की लेंथ देख लें, तो ये 7.25 के आसपास आ रही है। तो हम यहाँ से लेके नीचे तक 7.25 पे निशान लगाते जाएंगे, क्योंकि सामने से हमें दोनों साइड जो कट करना है वो कट का निशान हम यहाँ लगा रहे हैं। तकरीबन जो हमने नीचे कटिंग ली थी वो उसके आसपास ही आई हुई है। तो इस तरह से हम इसको निशान को मिला लेंगे। ध्यान रहे बिल्कुल सीधा आपको मार्क करना है, चाहे आपको 3-4 मार्क लगाने पड़े। अब इस जो हमने मार्क लगाए यहाँ से हम अपने कुर्ते को कट कर देंगे, और जब हम कट कर लेंगे तो इसके बाद हम साइड से जो हमारी, जिसको हम बोलते हैं कन्नी वाली पट्टी जो होती है, लंबी हम कट करेंगे और उनको जोड़ देंगे। एक साइड हमारे बटन आएंगे और एक एक साइड काज आएंगे। आप एक साइड अगर बंद रखेंगे तो उस पर आप सिलाई भी लगा सकते हैं, ऊपर से सिर्फ बटन लगा सकते हैं। ये चीज़ें सारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ये कुछ इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, बने रहिए, हमारे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तो ये थी आज के जो हमारा ये वाला डिज़ाइनर कुर्ता है, इसकी कटिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर से ज़रूर आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।